अम्बाला में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को ट्रॉले ने मारी टक्कर, 8 की मौके पर मौत, कई घायल। सड़क किनारे खड़ी बस में ट्रॉले ने टक्कर मार दी। ट्रॉले में लोहे की चादर रखी थी। बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। अम्बाला में शुक्रवार तड़के एक भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे तड़के करीब 4:30 से 5 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 344 चंडीगढ़ यमुनानगर पर स्थित गांव ककड़ माजरा के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब बरेली उत्तर प्रदेश से वर्दी हिमाचल प्रदेश जा रही थी। एक डबल डेकर बस शुक्रवार अलसुबह गांव ककड़ माजरा के नजदीक सड़क किनारे खड़ी थी और पीछे से आ रहे एक ट्रॉले ने उसे टक्कर मार दी। ट्रॉला टक्कर लगने के बाद हाईवे पर बने डिवाइडर को पार कर दूसरी तरफ पलट गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में बस में सवार लोगों को निकाला गया और कुछ तो शहजादपुर CST कुछ तो पंचकुला सहकारी अस्पताल में भेजा गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं व एक बच्चा भी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 2 से 3 साल बताई जा रही है। सूचना मिलते ही DSP नारायणगढ़ अर्शदीप सिंह, थाना प्रभारी शहजादपुर वीर भान पुलिस दल के साथ मौके पर मौजूद रही। हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर जाम लग गया। बड़ी क्रेन बुलाकर दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया। लगभग 2 घंटे के बाद यातायात सुचारू हुआ। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम के लगभग 5 बजे के करीब बरेली से लगभग 70 सवारियों को लेकर बस बद्दी के लिए चली थी और जैसे ही आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब बस जब ककड़ माजरा के नजदीक पहुंची तो यह हादसा हुआ। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हादसे की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में व्यवस्था बनाते हुए मरीजों को अलग अलग अस्पताल में रेफर किया गया। इसमें से 7 अम्बाला छावनी तो कुछ अम्बाला सिटी व पंचकुला रेफर किए गए ताकि सभी जगह व्यवस्था बनी रहे।